Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you example number 8 and a doubtful question of exercise 15.2, unit introduction to graphs. Here example number 8 is time and distance. Ajit can ride a scooter constantly at a speed of 30 km per hour. मतलब speed दी हुई है. Draw a time distance graph. Time और distance column के according हमें एक graph draw करना है. फॉर दिस सिचुएशन यूज़ इट टू फाइंड, दो कंडीशंस दी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग आंसर भी सॉल्व करना है. अब इसमें डाटा नहीं हमें गिवन, तो डाटा हम अपनी तरफ से एडजस्ट करेंगे, टाइम अपनी तरफ से एडजस्ट करके उसके अकॉर्डिंग वो स्पीड एडजस्ट करके सॉल्व करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 8 इज़ वन कॉलम इज़ टाइम, वन कॉलम इज़ डिस्टेंस. अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम. अगर टाइम 1 आवर है तो क्या लिखोगे डिस्टेंस? 2 आवर्स है तो डिस्टेंस क्या होगा? 3 आवर्स है तो डिस्टेंस क्या होगा? 4 आवर्स है तो डिस्टेंस क्या होएगा? 5 आवर्स है तो डिस्टेंस क्या होएगा? 4-5 टर्म्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे. 1 आवर है तो स्पीड 30 इंटू टाइम 1, 30 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया. 2 आवर्स हो टाइम तो स्पीड तो सेम ही रहेगी सब में, 30 इंटू 2 60 किलोमीटर डिस्टेंस. 30 इंटू 3 आवर्स में 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा. 30 इंटू 4 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा. एंड 30 इंटू 5 आवर्स में 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा. इस तरह से हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस एडजस्ट करेंगे. एज लाइक वी हैव टू एडजस्ट हेयर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन पे टाइम एंड वर्टिकल लाइन पे डिस्टेंस. वर्टिकल लाइन का टोटल आपके पास था, देखो मैक्सिमम वैल्यू 150 और लीस 30, तो 20-20 का डिस्टेंस डिफरेंस ले सकते हो. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 इस तरह से. और टाइम तो 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर 5 आवर 6 आवर इस तरह से ये टाइम हो गया. 1 आवर पे डिस्टेंस था 30 किलोमीटर, 20 और 40 के बीच में ये आ गया 130. 2 आवर्स पे था 60 किलोमीटर्स 260. 3 आवर्स पे था 90 किलोमीटर, 80 और 100 के बीच. देखो 20 का डिफरेंस है 20/10, 10 स्मॉल स्क्वायर हैं तो 2 हो गया. अब छोटे 5 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 10 हो जाएगी इसकी वैल्यू. तो 80 प्लस 10 90, सेंटर वाली जो मिड वैल्यू है वो आएगी 90. तो ये हो गया 3 एंड 90. 4 आवर्स पे 120, 4 120 एंड 5 आवर्स पे 150, ये होगी इनकी वैल्यूज़, 5 150. अब इसको हमने ड्रॉ कर देना है इन अ लाइन. स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट स्केल एडजस्ट किया. दिस इज़ द स्ट्रेट लाइन, इट इज़ अ लाइन ग्राफ. टाइम टेकन बाय अजीत टू राइड 75 किलोमीटर, 70 यहाँ था, 75 इसके सेंटर में, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू हो जाएगी. और 75 किलोमीटर में 2.5 आवर हो जाएगा, 2 और 3 के बीच में. तो आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे? टाइम ए पार्ट टेकन बाय अजीत टू राइड 75 किलोमीटर इज 2.5 आवर्स. और बी पार्ट क्या है इसका? डिस्टेंस कवर्ड बाय अजीत इन 3.5 आवर. 3.5 आवर ये है, 3.5 आवर पे ये वैल्यू यहाँ पे जा रही है, 100 और 10 के बीच में है, तो ये 105 मानी जाएगी. मतलब 100 एंड 110 के मिड में 105. तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय अजीत इन 3.5 आवर्स इज 105 किलोमीटर.
दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बस इस बात का ध्यान रखना, 3.5 आवर में अगर ऐसे नहीं समझ आता तो लाइन ड्रॉ कर सकते हो. लाइन ग्राफ तक इधर और इस तरफ से स्ट्रेट लाइन इधर को पैरेलल. तो ये देख लो मिड में आ रही है ना, 3 और 2 के बीच में अप्रोक्सीमेटली. इसी तरह से ही 2.5 वाली 75 किलोमीटर की भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 15.2 इज द डाउट. इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं. राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर. फिगर्स हैं ए ओ, ओ ए बी सी, पी क्यू आर एस, एल के एम. मैं आपको करवा रही हूँ ओ ए बी सी. क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 15.2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ ए बी सी इज इक्वल टू, ओ तो ओरिजिन पॉइंट है 0 0, ए का पॉइंट है 2 0, एक्स पे 2 है, वाई की कोई वैल्यू नहीं है तो 2 0, बी का पॉइंट है एक्स की 2 है और वाई की इंटरसेक्टिंग इसके अकॉर्डिंग 3, मतलब कि एक तरफ से 2 का ऊपर बढ़ाया गया, इस तरफ से 3 को आगे बढ़ाया गया तो 2 3 पॉइंट आएगा. और डी पॉइंट जो है दैट इज सॉरी सी पॉइंट, एक्स का 0, एक्स कोई कोई नहीं शो हुआ और वाई का 3 है तो 0 3 कोऑर्डिनेट हो गया. अब एक मैं करवा देती हूँ इसका एल के एम, तो पी क्यू आर एस आप खुद कर सकते हो. कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल के एम इज इक्वल टू, एल पॉइंट जो है देखो 7 को ऊपर लेके गए हैं और इस तरफ से भी 7 है तो 7 7 इसका हो गया एल का. और के का पॉइंट जो है 10 को ऊपर लेके गए हैं एक्स से, और वाई से 5 को इस तरफ से लेके आए हैं वाई से तो के की वैल्यू हो गई 10 5. और एम का कोऑर्डिनेट वो तो सेम ही है, 10 ही ऊपर गया है, और y की जो वैल्यू इस तरफ से लेके आ रहे हैं इस तरफ देखो तो ये है 8, तो 10 8 m का पॉइंट है. ये आंसर है इनके. तो इसके अकॉर्डिंग यू हैव टू सॉल्व द अदर क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन सेंड मी योर डाउट ऑन माय पर्सनल नंबर 9999170 1313. टिल देन थैंक यू.